आपको तो कुछ भी पड़ी नहीं, हमेशा पेपर में ही खोए रहते हैं। अरे ये सब तुम क्यों उठाकर ला रही हो? हाँ अच्छा, काम वाली किधर है? वो है ना आपका लाडला बेटा, सब उसकी मेहरबानी है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। काम वाली कहती है अपनी बेटी को एक बार अपने हाथों से कुएं में ढकेल दूंगी, लेकिन उसे इस घर में काम करने के लिए हरगिज नहीं भेजूंगी। आते जाते सब लोग मुझे रिश्तेदार बनाते हैं। मार्केट में जाती हूँ तो जवान लड़के मुझे देखकर कभी आंटी कहते, मैडम कहते, एक ने तो मेरे को दादी भी कह दिया। सब उसकी तारीफ करते। अशोक सर से मेरी सिफारिश कीजिए, 10 लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और लड़की के घर वाले मुझे दुश्मन की नजर से देखते हैं। आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी, आप उससे बात करेंगे या मैं उससे बात करूं? इसे अंदर आने के लिए कहो। नहीं ठीक है पिताजी। ब्रेकफास्ट किया क्या? हम अभी तो किया। मुझे तुमसे एक जरूरी विषय के बारे में बात करनी है। मेरे ऑफिस के क्लर्क रामास्वामी की बेटी किसी पैसे वाले लड़के से प्यार करती है। लड़के के घर वाले शादी के खिलाफ हैं। इस मैटर को तू ही सॉल्व कर सकता है। तेरे भरोसे पर मैंने उन्हें वचन दिया है बेटा। बात हो गई क्या? हाँ हो गई। ए, टाइम क्या हुआ? 8। ठीक है मैं निकलता हूँ। क्या रे, बड़े बड़े नेता जैसे अपने वादे तोड़कर चले जाते हैं, वैसे तू ये खेल छोड़कर कहाँ जा रहा है बता मुझे? वाह बेटा, चेहरे पे 1000 वाट बल्ब की चमक नजर आ रही है। इसका राज क्या है? ए, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी से घर नहीं गया तो मम्मी डैडी डांटेंगे। अरे ये इतना फेंक रहा है, हम सब इतने बेवकूफ लगते हैं क्या? अरे तुम लोग अभी तक समझे नहीं क्या? अभी तक वो दुनिया भर के प्रेमियों को मिला रहा था, अब अपना मामला फिट करने पे लगा है। नहीं यार। ए, बता कौन है वो? भवंस कॉलेज मीठी भाई या जैन कॉलेज में पढ़ती है बता? C है, 29B है या 12B है? लंबी है, गोरी है, काली है? ए, प्लीज। 250। ₹1-2। अशोक, ए अशोक, ए क्या रे सपने में खो गया? कौन है वो लड़की? मुझे तो बहुत पसंद है, जब वो मुझे पसंद करने लगे तब तुम लोगों को बताऊंगा। हाँ ये क्या हुआ, बाल सफेद हो रहे हैं क्या? अरे अरे अरे, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या? हे भगवान, अभी तो इतनी मेहनत करके मुझे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिला है,
इतनी जल्दी सफेद बाल? अभी तक तो मैंने जरा भी मौज मस्ती नहीं की है, मेरी जवानी इतनी जल्दी व्यस्त हो जाएगी। आ गोपाल, कैसी तरह गाड़ी चल रही है, लड़का होकर भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? और नहीं तो क्या, 20 साल का होते ही बाप काम पर जाजा कह के भगाता है, और शादी के बाद पत्नी घर सर पर उठाती है, उसका अलग टेंशन, और उसके बाद क्यों पैदा किया करके बच्चों का टेंशन। मर्दों की लाइफ ही बेकार है यार। मर्दों की लाइफ बेकार है कह रहा है? तुमने अपनी मुछे भी मुड़वा दी है, तुझे क्या हो गया? अरे एक काम के लिए एप्लीकेशन देना है, 300 रुपए पोस्ट करने के लिए चाहिए, जेब में पूरी बॉडी भी नहीं। ये कोई बात है क्या? खुद गलती करके दूसरों को क्यों दोष दे रहा है? गवर्नमेंट जॉब बोलता फिर रहा है, खुद का काम करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं सोचता तू? यार बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है और तू धंधे की बात कर रहा है, उसके लिए पैसे कौन देगा? बिना पैसे का मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बताता हूँ। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ उसके लिए पैसे भी नहीं लगेंगे और टैक्स भी नहीं लगेगा, ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब लोग तेरे पास खुद आएंगे, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, दूसरे मेहनत करेंगे और फायदा तुझे होगा। इतना ही नहीं, इस धंधे में तू कभी रिटायर भी नहीं होगा। बांजे, मैं नौकरी के लिए कितना भटक रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, बता वो काम क्या है? फिकर मत कर, ये काम करने में जरा भी मत शर्माना। तू किस धंधे की बात कर रहा है, समझा नहीं? तू नहीं समझा, तू मुझे बार बार क्या कहकर बुलाता है? बांजे, तू मेरा क्या हुआ? मामा। अरे तो वही करने के लिए तो कह रहा हूँ, तेरी ट्यूबलाइट बहुत देर में जलती है। छे, ये ले 5 रुपए रख और जा, कम करके टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एडवांस है, बाकी का बाद में दे दूंगा। रात को 10:30 बजे एक अच्छे आइटम लेकर आ जाना, समझ गया ना? इस धंधे में अगर तू सेंसियर रहेगा ना, तो एक हफ्ते में 4 लैपटॉप, 2 सेलफोन, 1 होंडा सिटी कार पूरे शहर को हिला के रख देगा। ऐसे क्या देख रहा है तू, इतना डिसेंट क्यों बना तू? बटन खोल और बाल भी बिखरा दे। अब ठीक है, एक मिनट, हाथ ऊपर कर। हाँ, इसे बगल में दबा। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, चल अब जा धंधे पे लग जा। हाँ, खुश रहे। अरे ये फाइल क्या करेगा तू, अब तुझे इसकी जरूरत क्या है? आज से आइटमों का फोटो रखा कर, चल जाए यहाँ से, और सूट पान का डिब्बा भी रखना साथ में। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? आजकल मन बड़ा दुखी रहता है। क्यों माँ? उनके घर का तो एक ही बेटा है, उसके भरोसे पर उसका खानदान जी रहा है, शादी की उम्र की 3 बहनें हैं, अब उसका क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन माँ? कल रात को 10 बजे जो सीरियल मैंने देखा, हाँ? उसमें वो लड़का हाथ में जहर की बोतल लेके खड़ा हो जाता है और सीरियल खत्म हो जाती है, उसी के बारे में बता रही थी। अरे माँ, तुम भी ना, 30 हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं किया, सीरियल खत्म होता नहीं और तुम देखना नहीं छोड़ती। MTV, UTV देखने वाली तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आएगा? ये पकड़। मेरी बेटी को तंग करता है। कॉलेज की बस छूट गई तो सिटी बस में जाएगी, फिर मैं उसे जी भर के देख सकूंगा। चल बस चली जा। यस, चली गई। ओफो, अब सरकारी बस में धक्के खाकर जाना पड़ेगा। प्रेम, प्रेम, प्रेम।
हेलो। वो तुम्हारी है? ओ सॉरी, चल अपन आगे चलते हैं। अगले स्टॉप में आर्ट कॉलेज की लड़कियां चढ़ेंगी, उन्हें देखकर टाइम पास करेंगे। चलो आगे चलें। Excuse me, टाइम क्या हुआ? 7:45। अरे शुक्रिया तो कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। That's good. इतना क्यों सोच रहा है यार? टेंशन मत ले, काम मिल जाएगा। वो बात नहीं है, मैंने अपने दोस्त से 300 रुपए उधार मांगे थे और उसने मेरी इंसल्ट की। ये साहब दान धर्म कीजिए साहब। क्या दान धर्म, जाओ यहाँ से, मेरा हाल भी तो तेरी तरह ही है। तो मेरे साथ चलकर भीख मांगो। चल भाग यहाँ से। एक मिनट रुक, मैं अभी आया। ए सुन। हाँ? अरे साहब, पैसा देने के लिए आए ना, दीजिए ना साहब। तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। हाँ साहब, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप मुझे खाना खिलाएंगे तो मैं सब कुछ करूंगा साहब। ये लो 10 रुपए। हाँ? अरे एक साबुन लो और सार्वजनिक बाथरूम में जाकर जल्दी से नहा कर आओ। मैं नहाऊंगी तो गंदी हो जाऊंगी साहब, मैं सिर्फ मुंह धो कर। ठीक है मेरी माँ, जो करना जल्दी करके आ। हाँ साहब। भांजे तैयार है ना, मैं तेरे लिए रुड़की रानी ला रहा हूँ।